डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लेवल वन की क्वेश्चन 101 to 120 डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन 101 से। तो हमारे पास 101 क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट स्टेबल एल्कीन। तो हमारे पास यहाँ पर थ्री मेंबर रिंग है और एक सिक्स मेंबर रिंग है, तो यहाँ पर वेल अंडरस्टूड है कि हमारे पास एंगल स्ट्रेन से थ्री मेंबर रिंग ही लेस स्टेबल होगी। अब इनमें से अपने को कंपेरिजन करना है, तो अपन एल्फा हाइड्रोजन चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कितने, फोर एल्फा हाइड्रोजन है फर्स्ट ऑप्शन में जो हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर रहे होंगे। यहाँ पर हमारे पास थ्री एल्फा एच यहाँ पर है और टू एल्फा एच यहाँ पर है, तो यहाँ पर फाइव एल्फा हाइड्रोजन हो जाएगी। यहाँ पर अपन काउंट करेंगे केवल वन एल्फा हाइड्रोजन है, तो जहाँ पर सबसे लीस्ट एल्फा हाइड्रोजन होंगे वही लीस्ट स्टेबल होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन इज मोर स्टेबल देन वन ब्यूटीन। तो वन ब्यूटीन का स्ट्रक्चर यदि आप देखें तो क्या होता है, इस तरह से होता है सी एच थ्री सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, ये हमारा वन ब्यूटीन स्ट्रक्चर है, ब्यूट वन ईन। यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ एल्फा एच कितने, टू एल्फा हाइड्रोजन है। बट अब यदि अपन देखें यहाँ पर सिस टू ब्यूटीन, ट्रांस टू ब्यूटीन और आइजो ब्यूटीन। सिस टू ब्यूटीन का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से, ट्रांस टू ब्यूटीन का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से, और आइजो ब्यूटीन का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से। तो इन तीनों ही केस में हमारे पास कितने एल्फा हाइड्रोजन होते हैं, सिक्स एल्फा हाइड्रोजन होते हैं जो कि टू एल्फा हाइड्रोजन से ज़्यादा है। तीनों के तीनों ही ऑप्शन क्या है, ज्यादा स्टेबल है वन ब्यूटीन से, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंपेयर हीट ऑफ कम्बशन। तो हीट ऑफ कम्बशन के लिए जो पॉइंट्स होते हैं कि सबसे पहले आप क्या देखना है, नंबर ऑफ कार्बन देखने जो भी मॉलिक्यूल है। इफ नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस देन हीट ऑफ कम्बशन आल्सो इंक्रीजेस। यदि नंबर ऑफ कार्बन सेम है तब हमारे पास हीट ऑफ कम्बशन क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ दैट मॉलिक्यूल। अपने पास आप चेक करते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है यहाँ पर वो टू थ्री डाईमिथाइल टू ब्यूटीन दिया हुआ है, यानी हमारे पास टू ब्यूटीन आप सबसे पहले बना ले और टू थ्री डाईमिथाइल आपने बना लिया। इसके बाद सेकेंड मॉलिक्यूल क्या है, टू मिथाइल टू ब्यूटीन, तो इसका स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ ऐसा होगा। फिर हमारे पास वन थ्री ब्यूटाडाइन है, थर्ड वन थ्री ब्यूटाडाइन इन वन टू थ्री फोर, यहाँ पर वन पे और यहाँ पर इस तरह से। फोर्थ में देखें तो हमारे पास वन टू ब्यूटाडाइन, यानी चार कार्बन और वन पे डबल बॉन्ड है और टू पे डबल बॉन्ड है इस तरह से। तो सबसे पहले अपने को देखना है नंबर ऑफ कार्बन, तो नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर कितने, यहाँ पर है सिक्स कार्बन, यहाँ पर हमारे पास फाइव कार्बन और यहाँ पे दोनों जगह फोर कार्बन फोर कार्बन है। तो हीट ऑफ कम्बशन का जब ऑर्डर लिखेंगे अपन, तो सबसे ज़्यादा कार्बन हमारे पास फर्स्ट में, तो इसका हीट ऑफ कम्बशन सबसे ज़्यादा होगा, देन सेकेंड का होगा, उसके बाद में हमारे पास चार कार्बन सेम। अब स्टेबिलिटी चेक करेंगे तो यहाँ पर कॉन्जुगेटेड सिस्टम होने की वजह से ये स्टेबल हो गया, यानी रेजोनेंस हो रहा है, और यहाँ पर हमारे पास रेजोनेंस नहीं है, ये अपने एलिन टाइप का सिस्टम है। तो हमारे पास स्टेबिलिटी थर्ड की ज़्यादा होगी फोर्थ से, तो स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी हीट ऑफ कम्बशन उतना ही कम होगा, तो अपने पास फोर्थ का हीट ऑफ कम्बशन थर्ड से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हीट ऑफ कम्बशन का ऑर्डर होगा कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन सी से मैच कर रहा है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, इसमें पूछा गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन विल ए हाइड्रोजन शिफ्ट अकर अपॉन एडिशन ऑफ एच सी एल, एच सी एल एडिशन करने के बाद में। तो जैसे कि अपन देखें कि हमारे पास सबसे पहला जो दिया गया एल्कीन वो कुछ इस तरह का एल्कीन है, जैसे आपने एच सी एल का एडिशन किया यानी एच प्लस सी एल माइनस, तो ये इस पर अटैक करेगा, तो कार्बोकोटेन हमारे पास क्या बन जाएगा, कार्बोटेन अपने पास यहाँ पर बन जाएगा जो मोस्ट स्टेबल कार्बोटेन है, और देन सी एल माइनस का अटैक होगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन शिफ्ट नहीं हो रहा है। इसमें अपन देखें डी वाला ऑप्शन, डी वाले ऑप्शन में देखिए कुछ इस तरह का अरेंजमेंट है, ठीक है। यहाँ पर एच सी एल में पहले एच प्लस का अटैक होगा, एच प्लस का जैसे ही अटैक होगा तो हमारे पास कार्बोकोटाइन कैसा बन जाएगा, कार्बोकोटाइन हमारे पास ये वाला बन जाएगा जो कि सेकेंडरी कार्बोकोटाइन है। अब यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट होगा फॉर रीअरेंजमेंट, तो यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट करा देंगे अपन और क्या बन जाएगा, मोस्ट स्टेबल कार्बोकोटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकोटाइन जब बन जाएगा तब सी एल माइनस का अटैक कराओगे आप, और हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे क्लोरीन आके अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट है वो केवल डी ऑप्शन में ही ऑब्जर्व होगी, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं होगी। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग एल्कीन इज मोस्ट रिएक्टिव फॉर हाइड्रेशन रिएक्शन। हाइड्रेशन से रिएक्शन मतलब एच टू ओ के साथ में रिएक्शन, ठीक है। तो अब हमारे पास हाइड्रेशन का क्या मतलब है कि जो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा, तो हमारे पास ए ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर इथीन का स्ट्रक्चर होता है सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू, प्रोपीन का स्ट्रक्चर देखें तो सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, फिर टू मिथाइल प्रोपीन अपन देखें तो हमारे पास यहाँ पर इस तरह से स्ट्रक्चर हो जाएगा, टू मिथाइल प्रोपीन। डी हम देखें वन ब्यूटीन,
तो CH3 C डबल बॉन्ड C CH3, ये 2-butene का स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा एच नहीं है, यहाँ पर 3 अल्फा एच है, यहाँ पर हमारे पास 6 अल्फा एच है, और यहाँ पर भी हमारे पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो अपने को चेक करना है कि सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक यहाँ पर कौन सा होगा, क्योंकि अपन जब हाइड्रेशन कराते हैं किसी भी एल्कीन का तो इसके साथ पहले क्या कराते हैं, एच प्लस का अटैक कराते हैं, देन एच टू का अटैक कराते हैं और एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अपन पहले इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराते हैं, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक जितना ज़्यादा होगा उसके लिए अपने को हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनानी होगी। अब यहाँ पर 6 अल्फा एच दोनों में कॉन्स्टेंट है, तो कहाँ पर अपने को बेटर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेगी, तो इस केस में आप देखें तो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर किस तरह से बन जाएगी, ये एच प्लस है, डबल बॉन्ड सी CH2 नेगेटिव, और यहाँ पर CH3। तो यहाँ पर अपने पास जितने भी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वहाँ पर प्राइमरी कार्बनियन बनेगा, बट यहाँ पर अपन देखें तो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, ये डबल बॉन्ड सी इसके साथ नेगेटिव CH3, तो ये सेकेंडरी कार्बन आयन है। तो ज़्यादा स्टेबल कार्बन आयन अपने पास प्राइमरी इसमें बन रहे हैं। तो अपने पास एल्कीन की स्टेबिलिटी भी देखें तो ये ज़्यादा स्टेबल एल्कीन होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, आइजोब्यूटीन बोलते हैं, ठीक है, आइसोब्यूटेन। और ये न्यूक्लियोफिलिक भी ज्यादा होगा, मोर न्यूक्लियोफिलिक होने की वजह से हाइड्रेशन होने की टेंडेंसी इसकी फास्टर होगी कंपेयर टू ब्यूटोइन। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अपन नेक्स्ट देखें कि एल्कीन गिव्स ब्रोमिनेशन रिएक्शन विद फॉर्मेशन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो हमारे पास कोई भी एल्कीन होता है, लेट से प्रोपीन अपन ने ले लिया, ब्रोमिनेशन आपने कराना है, तो ब्रोमिनेशन में Br2 अपने पास इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है, ये बैक अटैक करेगा Br से और यहाँ पे ये Br लीव कर जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर Br, अभी जो Br का लोन पेयर है ये वापस बैक अटैक करता है और एक नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कर लेता है इस तरह से। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, साइक्लिक ब्रोमिनियम आयन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास न तो क्लासिकल फ्री रेडिकल या कार्बोकेटाइन या कार्बिनेन नहीं बनता है, यहाँ पर बनता है साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 107, अननोन कंपाउंड ए ऑन ऑक्सीडेशन विद हॉट एल्कलाइन KMnO4 गिव्स ओनली वन कंपाउंड स्ट्रक्चर ऑफ विच इज गिवन बिलो। यहाँ पर केवल यही कंपाउंड अपने को मिलना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल इसका यदि आप हॉट KMnO4 के साथ में रिएक्शन करेंगे तो जैसे ओजोनोलिसिस होता है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, वैसे ही यहाँ पर रिएक्शन होगी, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, पर इसके साथ यहाँ पर ये मॉलिक्यूल तो मिल ही जाएगा, साथ साथ में क्या मिल जाएंगे, 2 मोल CH3COOH मिल जाएंगे। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि अपने को ओनली प्रोडक्ट पूछा गया है। यहाँ पर भी हमारे पास आप ब्रेक करेंगे तो एक तरफ फॉर्मिक एसिड मिल जाएगा एक्स्ट्रा और एक तरफ CH3COOH मिल जाएगा एक्स्ट्रा, उसके अलावा ये कंपाउंड तो मिलेगा ही, ठीक है। यहाँ पर अपन देखें डबल बॉन्ड को ब्रेक कीजिए तब यहाँ पर हमारे पास CH3COOH और CH3COOH ये भी एक्स्ट्रा मिल जाएगा अपने पास 2 मोल। बट अपन लास्ट वाले मॉलिक्यूल में देखें, इसमें यदि हॉट KMnO4 के साथ में रिएक्शन हो रही है तो ये किस में कन्वर्ट होगा, CHO CHO में, जो कि फर्दर COOH में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से, यहाँ पे COOH COOH, तो यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन है जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है। तो केवल यही प्रोडक्ट मिल रहा है आफ्टर ऑक्सीडेशन विद हॉट एल्कलाइन KMnO4। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 108, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें ये रिएक्शन दी गई है ओजोनोलिसिस कराने किसी एल्कीन का जिंक की प्रेजेंस में, यानी हमारे पास ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। यहाँ पर यदि एल्डिहाइड कुछ बन रहा होगा तो एल्डिहाइड फॉर्म में रहेगा, इसलिए यहाँ पर 3 मोल फॉर्मल्डिहाइड भी दिया हुआ है, इसको आप लिख सकते हैं 3 मोल्स ऑफ HCHO, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या देखना है, एल्कीन देखना है जो ये प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करे। तो इस ऑप्शन में देखिए यदि आप इस O3 जिंक के साथ में इसका रिडक्शन कराते हैं तो यहाँ पर डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे दोनों तरफ ऑक्सीजन लगाएंगे, यहाँ पर भी इसको ब्रेक करेंगे दोनों तरफ ऑक्सीजन लगाएंगे, यहाँ पर ब्रेक करेंगे दो तरफ ऑक्सीजन लगाएंगे, तो ये CH2O CH2O और CH2O बना लेगा, 3 मोल तो यहाँ पर HCHO बन गए। उसी के साथ हमारे पास अब देखिए इसमें CH3 था, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो इससे, फिर CH2, फिर वापस C डबल बॉन्ड हो गया, फिर हमारे पास CH2, फिर C डबल बॉन्ड हो, फिर CH3, ये मॉलिक्यूल अपने पास दिए गए मॉलिक्यूल से मैच कर रहा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए कि हमारे पास डाइईन एंड डाइईनोफाइन विच गिव्स कंपाउंड ए विल बी, तो अपने को ये कंपाउंड बनाना है, तो ये कंपाउंड अपने पास किससे बनेगा, तो यहाँ पे डाइईन और डाइईनोफाइल यूज़ किया गया, जो कि अपने पास कौन सी रिएक्शन में यूज़ होता है, डील्स एल्डर रिएक्शन में यूज़ होता है। ठीक है, डील्स एल्डर रिएक्शन में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से होगा। पहला स्ट्रक्चर अपन देखें तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर CH3 है, ये हमारा डाइईन है, और डाइईनोफाइल हमारे पास क्या है यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब हमारे पास ये क्या करेगा, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन देगा, यहाँ पर अटैक करेगा, बैक इस कार्बन पे जाता है जो इधर आ जाएगा, फिर ये पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा उसमें क्या होगा, ये दोनों जो CH2 थे यहाँ पर, ये हमारे पास इससे जुड़ जाएंगे, यहाँ पर जुड़ गए, यहाँ पर जुड़ गए, अब इसके जो पाई बॉन्ड था वो कंप्लीट डिसोसिएट हो चुका है, और यहाँ पर ये दो पाई बॉन्ड थे वो एक पाई बॉन्ड में यहाँ पे आ गए, और यहाँ पर CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है ही। अब आप गौर से देखें तो हमारे पास यही स्ट्रक्चर अपने को क्वेश्चन में गिवन है, जो अपने को डीएल सेल्डर रिएक्शन से यहाँ पे बन रहा है, तो अपने पास डाइन और डाइनोफाइल का जो कम्बिनेशन है वो ऑप्शन ए में मिल रहा है फॉर ऑप्टेनिंग डिजायर्ड प्रोडक्ट ए। ठीक है, नेक्स्ट है 110, विच एनर्जी डायग्राम बेस्ट डिस्क्राइब्स द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू एल्कीन, तो अपने पास कोई भी एल्कीन है, लेट से एक प्रोपीन ले लेते हैं, एक प्रोपीन लिया, इसका एच एक्स पे एडिशन होगा, तो यहाँ पे एच प्लस एक्स माइनस, तो एच प्लस पे अटैक होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास यहाँ पर कार्बोकोटाइन बन जाएगा सबसे पहले, और ये CH2 के साथ एक हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा। ठीक है, अब इस पे एक्स माइनस का अटैक होगा और हमारे पास फाइनली क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3CH(X)CH3। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है वो RDS स्टेप होता है, जिसमें कार्बोकोटाइन इंटरमीडिएट बन रहा होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम आप जो बनाते हैं उसमें हमारे पास फर्स्ट स्टेप जो RDS स्टेप है उसका ट्रांजिशन स्टेट सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि RDS स्टेप सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है और सेकेंड स्टेप अपने पास थोड़ा फास्ट स्टेप होता है, तो इस तरह से ग्राफ होगा। तो यहाँ पर अपने पास सेकेंड स्टेप रिएक्शन क्यों हो रही है, क्योंकि इंटरमीडिएट बन रहा है यहाँ पर कार्बोकैटायन, तो ऐसा ग्राफ आपको कहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पर डी ऑप्शन में ऐसा ग्राफ अपने को रिप्रेजेंट हुआ है, तो आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा यदि जो स्टेप हमारे पास RDS स्टेप होगा उसकी ट्रांजिशन स्टेट हमारे पास सबसे हाइयर स्टेट होगी। ठीक है, यदि सेकेंड ट्रांजिशन स्टेप अपने पास RDS स्टेप होता तो ये वाला ट्रांजिशन स्टेट की पीक हाइयर होती, तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप RDS स्टेप है इसलिए अपन ने फर्स्ट पोजिशन पे इसको हाइयर पीक दिया है ट्रांजिशन स्टेट को। ठीक, इसी तरह से नेक्स्ट करते हैं 111, यहाँ पर कोल्ड के एमिनोफोर डायल्यूट कोल्ड के एमिनोफोर यूज कर रहे हैं, जिसको अपन बेयर्स रिएजेंट भी बोल सकते हैं, बेयर्स रिएजेंट के साथ में एल्कीन की रिएक्शन कराते हैं, तो आपने ये रिएक्शन पढ़ी होगी, बेयर्स रिएजेंट की रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास क्या बनता है, विसिनल डाइओल OH आके जुड़ जाता है, और ये कौन सी रिएक्शन होती है, सिन एडिशन रिएक्शन होती है, यहाँ पर भी सेम चीज़ होगी, यहाँ पर ये स्लाइटली करेक्शन कर लीजिए, ये पाई बॉन्ड्स नहीं होंगे यहाँ पर, ठीक है, ये पाई बॉन्ड्स नहीं है। अब यहाँ पर क्या होगा, OH ग्रुप आके जुड़ेगा BR को हटाकर, जो पाई बॉन्ड है उसको हटाकर, सॉरी, तो यहाँ पर हमारे पास ये पाई बॉन्ड हट जाएगा, सिन एडिशन होगा, यानी दोनों के दोनों जो OH है वो सेम डायरेक्शन में आएंगे, आइधर वेज पे आए या डैश पे आए, यानी आप इस तरह से भी रख सकते हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन से आएंगे, बाकी मॉलिक्यूल वैसा वैसा ही रख दीजिए, जो उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री अनअफेक्टेड रहेगी, तो ये हमारे दो प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, तो कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहे हैं, ए और बी से मैच कर रहे हैं, इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, अपने पास यहाँ पर प्रोपीन दिया गया जिसकी एन ब्रोमो सक्सिनेमाइड के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं, NBS हमारे पास फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शो करता है और अलाइलिक सब्सटीट्यूशन होता है, अलाइलिक सब्सटीट्यूशन से क्या मतलब है, हमारे पास जो डबल बॉन्ड के पास वाला अल्फा कार्बन है वहाँ पर फ्री रेडिकल बनेगा और उस पर ब्रोमिन आकर जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा रिएक्शन, यहाँ पर हमारे पास NBS के साथ में रिएक्शन होगी एन ब्रोमो सक्सिनेमाइड में, तो इस अल्फा पोजिशन पर ब्रोमिन आकर जुड़ जाएगा CH2 BR CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करा रहे हैं, HBr इन प्रेजेंस ऑफ R2O2, परोक्साइड की प्रेजेंस में हो रहा है, तो ये परोक्साइड इफेक्ट होगा, परोक्साइड इफेक्ट जिसमें Br का जो
एडिशन होता है वो एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होता है, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। तो एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन से ये जो डबल बॉन्ड है इसके किस कार्बन पे बी आर आके जुड़ेगा, जो हमारे पास लेस स्टेबल कार्बोकोटेन बनाए, या जहाँ पर हमारे पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स हो। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट सी एच टू बी आर सी एच सी एच टू बी आर, क्योंकि इस कार्बन पे देखे तो कार्बोकोटेन क्या था, पॉजिटिव सेकेंडरी बनता है, यहाँ पर प्राइमरी बनेगा, तो यहाँ पर बी आर आके जुड़ जाएगा। इसमें कार्बोकोटेन बनता नहीं है, यहाँ पर बनता फ्री रेडिकल है इंटरमीडिएट। जस्ट आपको एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन को समझाने के लिए वो फैक्ट यूज़ किया जा रहा है। इसके बाद में अपन इसकी मैग्नीशियम के साथ में रिएक्शन करेंगे। तो मैग्नीशियम हमारे पास एल्काइल हैलाइड के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाता है, यहाँ पर ग्रिगनार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होता है। तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट हमारे पास एम जी बी आर यूज़ कर लेगा। अब हमारे पास क्या हो गया, ग्रिगनार्ड रिएजेंट बनाया तो ये नेगेटिव क्रिएट हुआ, यहाँ पर पॉजिटिव क्रिएट हुआ। अब इसी में एल्काइल हैलाइड भी है तो ये एस एन टू रिएक्शन शो कर सकता है, ये इंट्रामोलिकुलर एस एन टू रिएक्शन शो करता है और बी आर लीव कर जाता है, और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाता है, साइक्लोप्रोपेन मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल जाता है। दैट मीन्स हमारे पास यदि किसी ग्रिगनार्ड रिएजेंट में एसिड, इस तरह से ग्रिगनार्ड रिएजेंट सेंसिटिव ग्रुप को जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पर अपने पास फर्दर इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन भी पॉसिबल हो सकती है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 113, इसमें क्या पूछा है कि विथ व्हाट रिएजेंट कैन बी यूज टू अकम्प्लीश द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर इस डबल बॉन्ड पे, यहाँ पे ओ एच जुड़ा हुआ है और एंटी मार्कोनिक ऑफ पोजिशन पर जुड़ा हुआ है, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन हो रहा है यहाँ पर। तो एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन के लिए अपन कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन के लिए अपन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड यूज़ करते हैं, ये वाला। इसके अलावा यदि आप एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करें तो यहाँ पर भी कार्बोकोटेन इंटरमीडिएट कर बनता है जो रीअरेंज हो सकता है, रीअरेंजमेंट हो सकता है, तो हमारे पास यहाँ पर मोस्ट स्टेबल कार्बोकोटेन पे आकर ओ एच जुड़ता, पर यहाँ पर ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। ये हमारे पास है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, जहाँ पर हमारे पास क्या होता है एंड मार्कोनिक ऑफ एडिशन होता है, यहाँ पर एच टू ओ की वजह से ओ एच आगे जुड़ेगा। बट ये वाला भी रिएक्शन अपने पास ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन की है, बट यहाँ पर अपने पास एल्कोहल की जगह क्या है, न्यूक्लियोफाइल सी एस थ्री ओ एच है, तो इसको आप कहेंगे एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर यदि प्रोडक्ट में बनाता डी ऑप्शन के लिए यदि बात करें आप, तो यदि यहाँ पर प्रोडक्ट बनता तो प्रोडक्ट किस तरह से बनता, ये जो मॉलिक्यूल है इस पे सी एस थ्री ओ एच का वजह से ओ सी एस थ्री आके ग्रुप जुड़ता और हमारे पास फाइनली जो प्रोडक्ट बनता वो यहाँ पर ओ सी एस थ्री आ जाता। ये हमारे पास डी रिएजेंट्स है। यदि अपन इसी की अभिक्रिया अपन सी रिएजेंट से कराएं तब हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, मार्कोनिक ऑफ एडिशन से हमारे पास यहाँ पर इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा, सी और डी तो अपन ने पता लग गया। अब यदि आप बी का कम्बिनेशन करें तो बी के कम्बिनेशन में हमारे पास क्या होगा, यानी इसी की रिएक्शन बी के साथ कर दे जो बी रिएजेंट अपने को दिया गया, तो हमारे पास सबसे पहले कार्बोकोटाइन बनता एच प्लस के साथ रिएक्शन करने पे, कार्बोकोटाइन यहाँ पर बन गया। अब रीअरेंजमेंट पॉसिबल है यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी सेकेंडरी कार्बोकोटाइन ही बन रहा है, तो आप इसका एच टू ओ पर अटैक करा देंगे, तो एच टू का जैसे ही आप अटैक करा देंगे तो हमारे पास फाइनली यहाँ पर भी वो डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिलेगा जो बना हुआ है। तो यहाँ पर अपन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड यूज़ करेंगे जो कि एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल को फॉलो करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसका रीअरेंजमेंट होता कैसे कि हमारे पास कोई भी एल्कीन जो जुड़ा होता है, ये एल्कीन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में अपन एच बी एच टू यूज़ करते हैं साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट टाइप से, ये इधर जाता है और हमारे पास क्या बनता है यहाँ पर एच और यहाँ पर बी एच टू, इस तरह से आके जुड़ जाता है। अब ये जो मॉलिक्यूल है ये तीन मॉलिक्यूल उसके साथ करते हैं अपने पास एल्कीन के साथ, और लास्ट में एच टू ओ टू ओ एच माइनस के साथ ऑक्सीडेशन करते हैं, तो ये जो बी एच टू ग्रुप है यहाँ पर ओ एच आके जुड़ जाते हैं, तो यहाँ पर तीन कार्बन है उससे ओ एच आके अटैच हो गया। तो यहाँ पर भी हमारे पास एल्कीन के साथ ऐसा ही हो रहा है कि लास्ट वाले कार्बन पे जो लीस्ट क्राउडेड है वहाँ पर ओ एच आके अटैच हो जा रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 114, इंटरमीडिएट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। तो एल्कीन का हाइड्रेशन जब अपन करते हैं तो अभी आपने देखा कि कार्बोकोटेन वहाँ पर इंटरमीडिएट बनता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, हमारे पास यहाँ पर एल्कीन है जिसका
ब्रोमिनेशन करा रहे हैं, तो ये एंटी एडिशन रिएक्शन होती है। एंटी एडिशन, एंटी एडिशन में हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिलता है, ये साइक्लोहेक्सीन है। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर ये अटैक करेगा इस बीआर पे और ये लीव कर जाएगा, तो एक साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा, बीआर प्लस इस तरह से, और इसमें बीआर माइनस का अटैक करेंगे आप बैक साइड से, और ये बीआर इधर से लीव कर जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास दो पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, क्योंकि दोनों के दोनों कायरल कार्बन अपने पास, यदि ये वेज पे है तो ये डैश पे होगा, और ये हमारे पास वेज पे, ये डैश पे है तो ये वेज पे हो जाएगा। अब इसमें दोनों में ही देखें तो कहीं पे प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री आ रही है, नहीं आ रही है, और एक दूसरे क्या है, मिरर इमेज ही है। तो मिरर इमेज का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या होता है, रेसेमिक मिक्सचर, कि दोनों एक साथ प्रेजेंट है तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिलेगा, रेसेमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट है कि हमारे पास एक गिवन रिएक्शन है जिसमें यह ट्रांस एल्कीन है, ट्रांस एल्कीन का ब्रोमिनेशन करा रहे हैं यानी एंटी एडिशन करा रहे हैं, तो हमारे पास प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या मिलेगा। तो आप इस ट्रिक को ध्यान रखिए, CBSE टेस्ट, ठीक है, इसमें इसको कैंसिल कर दीजिए। सिस एल्कीन है, सिन एडिशन है तो इराइथ्रो बनेगा, और ट्रांस एल्कीन है, सिन एडिशन है तो थ्रियो बनेगा। इसका जस्ट अपोजिट भी करना है आपको, सिस एल्कीन होगा, एंटी एडिशन होगा तो थ्री हो जाएगा, और यदि हमारे पास ट्रांस एल्कीन है, एंटी एडिशन होगा तो यहाँ पे इराइथ्रो हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, ट्रांस एल्कीन है, एंटी एडिशन है तो इराइथ्रो होगा। इराइथ्रो से क्या मतलब है कि जो बी आर बी आर ग्रुप आके जुड़ेंगे वो सेम डायरेक्शन में आके जुड़ेंगे, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर ऐसा बनेगा, CH3 CH3 है टर्मिनल पे, तो यहाँ पे CH3 जोड़ दिया, यहाँ पर CH3 जोड़ दिया, बी आर जो है वो सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे इराइथ्रो की वजह से। तो हमारे पास प्रोडक्ट जो बनेगा 116 में वो इस तरह से बनेगा। अब यहाँ पर हमारे पास दो कायरल कार्बन है, और यहाँ पर अपन गौर से देखें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री भी आ रहा है, तो ये कंपाउंड क्या होगा, कायरल कार्बन और प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये हो जाएगा मीजो। इसका नाम लिखेंगे अपन, तो हमारे पास 1 2 3 4, 2 3 डाइब्रोमोब्यूटेन, तो मीजो 2 3 डाइब्रोमोब्यूटेन हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखें कि हमारे पास यहाँ पर एल्कीन दिया हुआ है, इस एल्कीन का एच प्लस और CH3OH के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं, तो क्या बन रहा है प्रोडक्ट वो देखना है। तो सबसे पहले हमारे पास ये एल्कीन है, एच प्लस के साथ में अटैक कराया तो हमारे पास कार्बोकोटाइन बनेगा, ये कार्बोकोटाइन बन गया हमारे पास, यहाँ पर एच है, ये कार्बोकोटाइन यहाँ पे बन गया, इसकी रिएक्शन करा रहा है CH3OH के साथ, ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ये अटैक करेगा इस पर, तो हमारे पास फाइनली प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एच यहाँ पर ओ CH3 और एच प्लस, ऑक्सीजन ने पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए ये एच प्लस अपना निकल जाएगा, तो फाइनली प्रोडक्ट हमारे पास इस तरह से बनेगा, OCH3, जो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 118, इसमें क्या पूछा गया है कि कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, अपने को प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है। तो सबसे पहला ये प्रोडक्ट है यानी एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस आप करा रहे हैं और प्रोडक्ट पी बन रहा है, तो ये मॉलिक्यूल देखिए कैसा है, यहाँ पर 3 मिथाइल जुड़े हुए हैं, इसके साथ ये एल्कीन है, आपने एसिडिक मीडियम लिया यानी एच प्लस लिया, तो हमारे पास कार्बोकोटाइन बन जाएगा, कुछ ऐसा कार्बोकोटाइन यहाँ पे जब बना तो ये बन चुका है। अब इसमें आप मिथाइल शिफ्ट करेंगे क्योंकि अपने को टर्शियरी कार्बोकोटाइन बन सकता है, रीअरेंजमेंट हो सकता है, यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो सकता है, तो आप हर एक स्टेप में मोर स्टेबल कार्बोकोटाइन बनाएंगे, यहाँ पर कार्बोकोटाइन यहाँ आ जाएगा, फिर ये मिथाइल यहाँ आ गया, ठीक है। अब इसके बाद में आप हीट करेंगे क्योंकि ईवन एलिमिनेशन आप इसको बोल सकते हैं, कि यहाँ पर जो मैकेनिज्म हो रही है वो कौन सी हो रही है, ईवन एलिमिनेशन वाली हो रही है, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, इस एच को निकाल कर यहाँ पर हीट करने पे जो एल्कीन बनेगा वो इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। इसका नाम लिखेंगे 1 2 3 4, यानी 2 3 डाई मिथाइल ब्यूट 2-ईन, ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अपन नेक्स्ट अपन देखें कि यहाँ पर मर्क्यूरिक एसिटेट पहले और NaBH4 बाद में, तो ये है ऑक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन, तो ऑक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन में हमारे पास क्या होगा, मार्कोनिकॉफ एडिशन ही होगा, बट हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर Hg2+ जो अवेलेबल था ये अटैक करेगा, यहाँ पे नॉन क्लासिकल कार्बोकोटाइन का फॉर्मेशन हो जाता है, Hg+ इस तरह से, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, H2O का अटैक कराते हैं, H2O का अटैक मोर
स्टेबल कार्बोकेटाइन जहाँ पे बन रहा होगा वहीं से अटैक होगा और ये इधर से लीव कर जाएगा। तो हमारे पास OH यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं होता है साइक नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन की वजह से, तो OH यहाँ पर जुड़ जाएगा और इस कार्बन पर HG रह गया, जिसका डीमर्क्यूरेशन कर देंगे आप NaBH4 से, यानी HG लीव आउट कर जाएगा और फाइनली प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, फाइनली प्रोडक्ट हमारे पास इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अपन ने मिस्टेक की है कि हमारे पास क्या था, यहाँ पर हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं अपन, हीट नहीं कर रहे हैं सॉरी, तो इवन मैकेनिज्म नहीं होगा यहाँ पर, ये नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास अपन H2O का डायरेक्टली अटैक कराएंगे कार्बो कटाइन पे, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे कार्बो कटाइन पे OH लगा देंगे और इस पे इस तरह से लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन अब नेमिंग करते हैं, नेमिंग करेंगे तो हमारे पास 1, 2, 3, 4 इसका नाम लिखें, तो 2,3-डाइमिथाइल, 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन 2-ol, ये इसका नाम हो जाएगा। यहाँ पर अपन नेमिंग करें तो हमारे पास यहाँ पर क्या नाम हो जाएगा इसका, नंबरिंग यहाँ से 1, 2, 3, 4, तो हमारे पास 3,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन 2-ol, ये इसका नाम हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है देख लेते हैं, 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन 2-ol और 3,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन 2-ol, तो ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 119, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज आर फॉर्म्ड व्हेन 1,2,4 ट्राइमिथाइल साइक्लोपेंटीन इज हाइड्रोजिनेटेड, कि हमारे पास 1,2,4 अपन बना लेते हैं कि कैसे बन रहा होगा 1,2,4, ये मॉलिक्यूल है इस तरह से, यहाँ पे 1 पे ये है, 2 पे और 4 पे मिथाइल। ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड इस तरह लगा दिया, अब इसका हाइड्रोजिनेशन करा रहे हैं H2PT की वजह से। ये कौन सी रिएक्शन होती है, ये होती है सिन एडिशन रिएक्शन। सिन एडिशन रिएक्शन से क्या मतलब है कि हाइड्रोजन जब भी जाएगा डबल बॉन्ड पे तो हमारे पास सिन पोजिशन पे जाएगा, आइदर वेज पे जाए या डैश पे जाए, तो हमारे पास ये जो कार्बन है, ये कार्बन हमारे पास कायरल कार्बन है, वेज भी हो सकता है और डैश भी हो सकता है, तो लेट से अपन इसको क्या मान ले, इसको अपन वेज की जगह डैश मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको पोजिशन फिक्स कर दी डैश। ठीक है, यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर वेज पे लेट से हाइड्रोजन जो आ रहे हैं दोनों वो सेम डायरेक्शन से आ रहे हैं वेज पोजिशन पे, तो बाकी जो मिथाइल जुड़ा हुआ है वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, कायरल कार्बन, ये SP3 कार्बन है तो ऑटोमेटिकली डैश पे चला जाएगा। दूसरा यदि कॉन्फिग्रेशन देखें तो हमारे पास ये पोजिशन अनअफेक्टेड है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये डैश की डैश ही है, तो यहाँ पर अपन क्या करें, दोनों हाइड्रोजन जो आ रहे थे उनको डैश पे रख दें इस तरह से, तो हमारे पास ये कार्बन किस पे रह जाएगा, ये हमारे पास वेज पे रह जाएगा, क्योंकि SP3 कार्बन है, SP3 कार्बन में टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट डालने के लिए हमारे पास एक वेज पे होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली डैश पे हो जाएगा, तो इस तरह से हमारे पास दो प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर इसमें देखिए ये वाला जो पोजिशन है, ये दोनों यहाँ पर मैंने कॉन्स्टेंट रखी हुई है, बट एक बार क्या हो रहा है कि दोनों मिथाइल डैश पे हैं जैसे कि यहाँ पे, और एक बार हमारे पास दोनों मिथाइल वेज पे जैसे कि यहाँ पर सिन एडिशन की वजह से, तो हमारे पास फर्स्ट और थर्ड दोनों प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं बाई H2PT रिएक्शन, तो हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है 120, 120 में हमें क्या पूछा गया है कि सबसे पहले ये एल्कीन दिया हुआ है, सॉरी एल्कोहल दिया हुआ है, एल्कोहल का H3PO4 के साथ में 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन करा रहे हैं, यानी हीट कर रहे हैं, तो ये डेफिनेटली हमारे पास कौन सी रिएक्शन होगी, ईवन एलिमिनेशन होगा। इसमें क्या होगा, जो एच प्लस अपने पास यहाँ से प्रोवाइड हो रहा है उस पर ये अटैक करेगा, इससे हमारे पास OH2+ बन जाएगा, OH2+ से फिर वाटर का रिमूवल होगा, जैसे आप वाटर का रिमूवल कर देंगे तो हमारे पास कार्बोकेटाइन बन जाएगा, अब कार्बोकेटाइन तो बन गया, फिर आप हीट करेंगे, हीट करेंगे तो हमारे पास एल्कीन बन जाएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पर एल्कीन बन गया। ठीक है, अब जब एल्कीन बन चुका है, इसकी आप किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, पर एसिड के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं, यानी PHCO3H यहाँ पर दिया हुआ है, तो पर एसिड के प्रेजेंस में हमारे पास क्या रिएक्शन होती है, इपोक्सीडेशन होता है, इपोक्सीडेशन, और ये रिएक्शन कौन सी होती है, सिन एडिशन रिएक्शन होती है, तो हमारे पास यहाँ पर एल्कीन है, एल्कीन पर इपोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो यहाँ पर इपोक्साइड में क्या करना है आपको, इस तरह से बना देना है डायरेक्टली, तो ये ऐसा कौन से प्रोडक्ट बन रहा है, ऑप्शन ए में
करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। होपफुली दिस वीडियो सॉल्यूशन सीरीज हेल्प यू आउट टू क्लियर योर डाउट्स। गिव दिस वीडियो ए थम्स अप इफ इट इज यूजफुल फॉर यू। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, मेक श्योर टू क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन सो यू डोंट मिस लेटेस्ट वीडियोज फ्रॉम अवर वीडियो सॉल्यूशन सीरीज एंड एजुकेशन रिलेटेड स्टफ फ्रॉम GM Academy।